हेलो दोस्तों, मैं हूं जरूर आपका दोस्तन होस्ट, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में ऑक्सीजन के बारे में बात किया था कि कितना अच्छा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है और कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना सारा CSP वो लोग खोल चुके हैं ऑलरेडी और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उसके पूरी कंपनी के पूरी प्रोफाइल मैंने डेस्कटॉप में जाकर दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीड्यूर के साथ मैंने दिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पर से आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आज भी एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो ऑक्सीजन से भी बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, उसका जो चार्ज वगैरह है बहुत कम है ऑक्सीजन से मुकाबले। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है जीरोमास फाउंडेशन, और ऑल ओवर इंडिया में ये लोग CSP प्रोवाइड करते हैं, और इसका हर एक स्टेट में अलग अलग से कंपनी का विंग है। मतलब जैसे कि अगर आप आसाम में लेना चाहते हैं तो जीरोमास आसाम है, जीरोमास महाराष्ट्र है, जीरोमास उत्तर प्रदेश है, जीरोमास बिहार है, जीरोमास उत्तराखंड है, ऐसे करके हर एक स्टेट में ये लोग विंग खोलकर रखे हैं। मतलब हर स्टेट का मतलब नहीं, सभी स्टेटों में है, ठीक है, लगभग सभी स्टेटों में है। और अगर आप मान के चलिए एक एरिया में 10 CSP है तो 3 CSP तो जीरोमास का ही होगा होगा, ठीक है। और इसका जो कमीशन है वो ऑक्सीजन से थोड़ा ज़्यादा है, और जो खर्चा है मतलब जो चार्ज सर्विस चार्ज लेते हैं वो लोग एक CSP खोलने के लिए, वो ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम भी लेते हैं। मतलब ऑक्सीजन की जैसे कि मैंने बताया 25,000 रुपये लेते हैं, तो जीरोमास थोड़ा सा कम भी लेते हैं, और जो सपोर्ट देता है सेम सपोर्ट ही देते हैं। मतलब एक आपको सिर्फ एक बायोमेट्रिक डिवाइस देगा, आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और आपका एडवर्टाइजमेंट का जो भी चाहिए, फ्लेक्स बैनर वगैरह जो कुछ भी चाहिए ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक CSP खोलने के लिए आपको मेन करना क्या होता है, सबसे पहला जो काम करना है, तो सभी CSP के लिए खोलने के लिए एक ही काम करना है कि आप जिस ब्रांच से करना चाहते हैं आपका ब्रांच मैनेजर से एक बार बात कर लीजिए। अगर वो लोग राजी हो जाते हैं कि हम लोग कियोस्क के जो ID है हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बैंक के ऊपर बहुत सारा क्राउड रश होता है, बहुत सारा लोगों की प्रेशर रहता है, तो उसको हटाने के लिए जो मिनिमम छोटे मोटे ट्रांजेक्शन रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, CSP में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग CSP खुलवाते हैं। तो अगर आपके जो ब्रांच है वहाँ पर थोड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है या फिर नहीं भी होता है, फिर भी आप एक बार जो ब्रांच मैनेजर है उससे बात कर लीजिए। बात करने के बाद अगर वो लोग राजी हो जाते हैं तो भी आप अपना जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उसके साथ बात कीजिए, ठीक है। अगर आपका जो ब्रांच मैनेजर वो लोग राजी नहीं होते तो डायरेक्टली आपका जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जिस कंपनी के द्वारा आप करना चाहते हैं उसको बात कर लीजिए कि मेरा जो ब्रांच मैनेजर नहीं मान रहा है, तो वो लोग अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ट्राई करने के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी कुछ होता है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट संभाल लेता है। आपको सिर्फ एक ही काम करना था, आपका जो ऑपरेटर है आप खुद भी हो सकते हैं या फिर हायर भी कर सकते हैं, उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन है आपको उनका सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को सबमिट करना है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की जो ऑफिस है वहां पर। आपको ये जो प्रोसेस है आपको खुद को करना पड़ता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ठीक है। बाकी का जो काम है आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट संभाल लेगा। क्यों नहीं संभाल लेगा, क्योंकि वो लोग पैसा लेते हैं इसी बात का। और जो कमीशन वगैरह जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो कमीशन है हेर फेर रहता है हर एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अंदर। मतलब एक CSP यहाँ पर एक कंपनी का है, दूसरा एक कंपनी का वहाँ पर है, तो इसका मतलब ये नहीं दोनों का जो कमीशन है सेम होगा, ठीक है। अलग अलग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की अलग अलग CSP का कमीशन रहता है, अलग अलग बैंक अकाउंट का जो चार्ज मतलब जो कमीशन वगैरह होता है वो डिफरेंस रहता है। तो आपको जो अच्छा लगा तो आप उसी को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कीजिए। लेकिन जीरोमास फाउंडेशन आपके लिए एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि बहुत पुराना कंपनी है, और इंडिया की ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको 100 CSP मिलता है तो 40 CSP जीरोमास फाउंडेशन का है, तो एक बहुत अच्छा चॉइस आपके लिए रहेगा। और बहुत अच्छा CSP ये लोग मतलब टेक्निकल सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड, और बहुत अच्छा ये लोग टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर एक स्टेट में ये लोग विंग खोल कर रखे हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तो बहुत अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है क्या, आपका जो ब्रांच मैनेजर है उससे बात कर लीजिए। ब्रांच मैनेजर से बात करने के बाद आपके पास खुद के पास कुछ चीज रहना चाहिए। क्या क्या रहना चाहिए मैं बता देता हूँ। अगर आपका जो कियोस्क आईडी हो जाता है, होने के बाद आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करना होता है, उसके साथ साथ पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर रहना चाहिए, एक टेबल चेयर या फिर डेस्क वगैरह वो सब तो रहना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिस के जैसे आपका जो महल है वो बनना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक घर रहना चाहिए, आप रेंट में भी ले सकते हैं या फिर खुद का भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर आप सोच लीजिए, आप रेंट में एक जगह पर रह रहे तो कुछ दिन बाद दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, आप हो सकता है, ठीक है। तो आप रेंट में भी ले सकते हैं। तो आपका जो ऑपरेटर है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए, ठीक है। उसका कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और आपका जो मिनिमम जो कॉस्ट है आप अप्रोक्सीमेटली
1 लाख पकड़ के रखी है कि क्योंकि आपका जो सेटलमेंट अकाउंट जो ओडीआई अकाउंट बनेगा वहां पर ही 50,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का जो खर्चा इधर उधर आपका जो बिजनेस कस्टमर थोड़ा सा ले लेगा, आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप यहाँ पर जो सेटलमेंट है ये सब करने के लिए थोड़ा सा खर्चा भी हो जाएगा, तो 1 लाख रुपये आप मान के चलिए। तो ठीक है, तो आप कैसे जीरोमास फाउंडेशन से आप कैसे बात करेंगे उसका पूरी डिटेल्स मैं आपको लैपटॉप में जाकर दिखा देता हूँ, तो पूरी ध्यान से देखिएगा और पूरी जो वीडियो लास्ट तक एंड तक देखिएगा क्योंकि आधा उधर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो चलिए दोस्तों लैपटॉप में। सो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया मैं अपने लैपटॉप पर सबसे पहला जो काम आपको करना है, मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे किसी भी ब्राउजर से ऐसे एक पेज खुल जाएगा जो जीरोमास फाउंडेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड, कैशलेस पेमेंट का सर्विस प्रोवाइड, एनर्जी, पेंशन, मनी ट्रांसफ़र, कैश विदड्रॉल्स, रिकरिंग डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट्स, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब बहुत सारी सर्विस जो एक CSP में चाहिए होता है सारी CSP की सर्विस ये लोग प्रोवाइड आपको कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वीनियंट मोबाइल ट्रांजेक्शन सॉल्यूशन फॉर कस्टमर सर्विस पॉइंट एंड मर्चेंट टू कैरी आउट बैंकिंग एंड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब एक CSP के लिए जो भी सर्विस चाहिए होता है सारी सर्विस ये लोग आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफिस का एड्रेस है मेन ऑफिस का जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, एक मेल आईडी भी दिया है। तो आप डायरेक्टली अगर आप इस ऑफिस का जो एड्रेस है इसकी नज़दीकी एरिया में अगर आप रहते हैं तो डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो हर एक स्टेट के बंदे के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद उनका जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रहेगा उनसे बात कीजिए, बात करने के बाद आपका जो स्टेट का जो इंचार्ज रहता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे या फिर किसी भी तरीके से उनसे आपको बात करवा देंगे या फिर पूरी डिटेल्स के साथ आपको बता देंगे कि कैसे आपको मिलेगा उस स्टेट में, ठीक है। क्योंकि इंडिया की हर एक स्टेट में ये लोग काम करते हैं और बहुत बड़ा कंपनी है, और या फिर आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता मेल से कोई आंसर वगैरह आएगा, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आप डायरेक्टली कॉल कीजिए या फिर आप नीचे में एक फॉर्म दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया है तो यहाँ पर आप इसको फिलअप करके सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक टिकट जैसा होता है तो इसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से आप जीरोमास फाउंडेशन से बात कर सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना जो CSP खोल सकते हैं। एक बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बहुत अच्छा मतलब सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और नेक्स्ट डे में एक और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।